वेलकम लर्नर्स टू माय चैनल सॉल्यूशंस फॉर यू। सी प्रोग्रामिंग के इस कोर्स में हम आजकल एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कॉमा ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर की कब जरूरत पड़ती है, इसके अलावा इनके यूज क्या है और ज्यूरिंग प्रोग्राम हमें ये कब जरूरत पड़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम एंड थ्योरी हम आपको समझाएंगे कि कॉमा ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर अवर वीडियोस। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर इज यूज्ड टू परमिट डिफरेंट एक्सप्रेशंस टू अपीयर इन सिचुएशंस वेयर ओनली वन एक्सप्रेशन वुड बी यूज्ड। कॉमा ऑपरेटर हमें तब जरूरत पड़ता है, कभी कभार हमारी क्या सिचुएशन होती है कि हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, उन एक्सप्रेशंस को हमें एक ही एक्सप्रेशन में लिखना पड़ता है। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं जब भी हम ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तब जाके एक एक्सप्रेशन बनती है। लेकिन कॉमा ऑपरेटर तब यूज करते हैं जब बहुत सारी एक्सप्रेशंस हो, उनको आपस में हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट है उसको हम किसी ऑपरेंड में सेव रखते हैं। द एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा ऑपरेटर, और जो सेपरेटेड एक्सप्रेशंस है वो इवॉल्वेट होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट मीन्स पहले लेफ्ट साइड की जो एक्सप्रेशंस है वो इवॉल्वेट होती है, उसके बाद जो राइट साइड की एक्सप्रेशन है वो इवॉल्वेट होती है, और जो टाइप एंड वैल्यू जो राइट मोस्ट एक्सप्रेशन का होता है उसी में जो, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं एस, ये यहाँ पे राइट मोस्ट ऑपरेंड है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं ए मल्टीप्लाई बी, उसके बाद हम कॉमा करके और एक एक्सप्रेशन लिखते हैं यहाँ पे ए माइनस बी। कभी कभार हमारी सिचुएशन होती है कि हमें बहुत बड़ी एक्सप्रेशन देती होती है, फॉर एग्जाम्पल ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इंटू डी प्लस ई, या बहुत सारी एक्सप्रेशन देती है। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम इस सारी एक्सप्रेशन को क्या है कि हम इसको एक ही साथ इवॉल्वेट करें, और जो रिजल्ट है वो जो राइट मोस्ट यहाँ पे है उसमें हम क्या करें, उसमें सेव रखें। ऐसी कंडीशन में हमें क्या है कि हमें कॉमा ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, या फॉर एग्जांपल हम कभी कभार क्या है कि हम कभी कभार डिक्लेयर करते हैं, हम कभी कभार लेते हैं इंट ए इंट बी इंट सी, इन सारे को लिखने के एक ही तरीका होता है कि हम विद द हेल्प ऑफ कॉमा ऑपरेटर एक ही बार डेटा टाइप ले, फिर क्या है कि हम बहुत सारे ऑपरेंड्स जो है कॉमा करके उनको सेपरेट करेंगे और बहुत सारे हम ऑपरेंड्स लिख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम आपको मोर क्लियर होगा कि कॉमा ऑपरेटर की जरूरत हमें कब पड़ती है। नेक्स्ट ऑपरेटर जो यहाँ पे है वो है कि साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर एक यूरिनरी ऑपरेटर है जो हमें देता है साइज ऑफ ऑपरेंडस इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। जो ऑपरेंड, ऑपरेंड वेरिएबल भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, या कोई डेटा टाइप भी हो सकता है। डेटा टाइप में इंट, फ्लोट, कैर एटसेट्रा। एग्जाम्पल साइज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल ली है कि साइज ऑफ, साइज ऑफ जो ऑपरेटर है उसको हम ऐसे लिखते हैं साइज ऑफ, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। ये हमें देता है गिव्स द बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय द इंट डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल इंट डेटा टाइप ने कितनी स्पेस ली है ये हमें देता है साइज ऑफ। विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम आपको ये वाला ऑपरेटर दिखाएंगे। सबसे पहले आप अपना जो एडिटर है वो ओपन करेंगे, उसके बाद ओपन करने के बाद आपने न्यू प्रोग्राम जो है वो ओपन करना है कंट्रोल शिफ्ट एन, उसके बाद उस प्रोग्राम को सेव करना है। हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे एज ए कॉमा साइज ऑफ डॉट सी। डॉट सी जो है वो यहाँ पे एक्सटेंड मैंडेटरी है, उसके बाद सेव करेंगे। उसके बाद जो बेसिक है वो हम यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड, जो बिल्डिंग ब्लॉक एक सी प्रोग्राम का होता है वो हर किसी को मालूम है। अगर अभी तक आपको ये मालूम नहीं कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या होता है, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे हमने ए टू जेड आपको क्लियर किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर सी का कैसा होता है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखने के बाद आपने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखनी है। हर कोई प्रोग्राम जो है वो मेन फंक्शन से ही क्या होता है कि वहां से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद रिटर्न कराएंगे मेन फंक्शन को, दैट मीन सक्सेसफुली रिटर्न। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि कॉमा ऑपरेटर हमें कब जरूरत पड़ती है। हम लेंगे इंट ए इंट सी इंट बी,
कभी एक बार क्या सिचुएशन होती है कि हमें ए एज ए डिक्लेयर करना पड़ता है, सी बी और बी बी, लेकिन यहाँ पे ये सब लिखने के बावजूद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंट ए विद द हेल्प ऑफ कॉमा ऑपरेटर बी कॉमा ऑपरेटर सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमा ऑपरेटर की जरूरत हमें कब पड़ी, हमने यहाँ पे भी कॉमा किया, यहाँ पे भी कॉमा किया। या कभी कभार क्या होता है कि हमें सम करना पड़ता है, सम किसका करना पड़ता है कि ए प्लस बी, उसके बाद और एक एक्सप्रेशन होती है, हम कॉमा करेंगे सी प्लस डी, उसके बाद और एक कॉमा करके डी प्लस ई। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहाँ पे ए लेते हैं 10, बी लेते हैं 3 और सी यहाँ पे लेते हैं 7। उसके बाद हम और एक और यहाँ पे लेंगे ऑपरेंड डी इक्वल टू 4 और लेते हैं ई इक्वलन टू 2, ई लेते हैं यहाँ पे 2। उसके बाद ये जो सम है हम इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करने के लिए आपको पता है कि कौन सी फंक्शन है, प्रिंट एफ, और उसके बाद जो सम है वो हम यहाँ पे देंगे। सम मीनस क्या होता है कि जो इस सारे एक्सप्रेशन का रिजल्ट है वो यहाँ पे सम में रहेगा, और जो सम है वो यहाँ पे आएगा, और जो सम का रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आया वो 20 आया। वो कैसे आया, सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया ए बी सी एंड सम, फिर हमने एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ कॉमा ऑपरेटर हमने यहाँ पे दिखाया कि हमने ए को 10 यहाँ पे वैल्यू दिया, उसके बाद जो बी का वैल्यू है वो हमने 3 लिया और सी का जो है वो 7 लिया, उसके बाद कॉमा करके हमने क्या लिखा कि ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद इस सारे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो हमने सम में रखा और सम को हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। परसेंटाइल डी हमने इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवाना है। हमारा सम 20 कैसे आया, जो यहाँ पे हमने थ्योरी में पढ़ा जो राइट मोस्ट यहाँ पे है उसका जो रिजल्ट होगा वही सम में रहेगा। मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल लूंगा, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझ आएगा कि अगर हम बहुत सारी एक्सप्रेशंस लेंगे और उसका रिजल्ट क्या आएगा। हम यहाँ पे एग्जांपल में लेते हैं ए इक्वल टू 10, उसके बाद बी लेते हैं 5 और सी भी हम लेते हैं 5। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लेते हैं ए प्लस बी कामा सी प्लस ए, हम यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ए प्लस बी एक एक्सप्रेशन है, सी प्लस ए एक एक्सप्रेशन है, ए प्लस बी प्लस सी और एक एक्सप्रेशन है। आपको इस वीडियो को पॉज करना है और बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर आपको इसका रिजल्ट आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, अगर नहीं आया तब जाके हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो जो राइट मोस्ट एक्सप्रेशन है उसी का रिजल्ट आएगा। हम इस प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करते हैं। बिल्ड एंड रन करने के बाद यहाँ पे जो आउटपुट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 20। 20 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी, 10 प्लस 5 प्लस 5 होता है 20। ये जो दो एक्सप्रेशन है इनका वैल्यू जो है वो यहाँ पे इवाल्वेट नहीं हुआ है। सम में जो वैल्यू आया वो राइट मोस्ट जो एक्सप्रेशन है उसी का वैल्यू आया। इसके बाद हम जो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं वो हम लेते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर की। सबसे पहले हम क्या है कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सबसे पहले हम अपने फाइल को जो है वो सेव करेंगे। सेव हम करेंगे साइज ऑफ डॉट सी। उसके बाद हम जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, उसके बाद मेन फंक्शन इंट मेन, उसके बाद हम ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, उसके बाद यहाँ पे इनको कहते हैं पैरेंथेसिस और इनको कहते हैं ब्रेसेस, उसके बाद रिटर्न जीरो। उसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करने के लिए हम लेते हैं इंट वी या इंट ए, उसके बाद हम लेते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट हम किसको कराएंगे, साइज ऑफ, उसके बाद साइज ऑफ व्हाट, साइज ऑफ इंट, उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करेंगे। हम यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट कराएंगे साइज ऑफ इंट इक्वल टू परसेंटाइल डी, उसके बाद इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करने के बाद जो हमारा आउटपुट आया वो आया 4। दैट मीन्स साइज ऑफ इंट जो यहाँ पे है वो यहाँ पे कितना है 4। ये डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर, ये डिपेंड करता है। This is all about the today's video. अगर आज की वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड कमेंट। थैंक्स।